रेसेस एंड गेम्स कर रहे हैं बेटा, ठीक है? अच्छा, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे में देखे गए हैं बेस्ड ऑन रेसेस एंड गेम्स, आ सकता है। यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए सबसे पहले, और कुछ इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए मैथमेटिकली। अगर आपको वो लैंग्वेज समझ में आ जाए तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर सकते हो। ये कुछ अलग पार्ट नहीं है, मैं आपको कुछ दो तीन टर्म्स बताने वाला हूँ या दो तीन एक्सप्रेशंस बताने वाला हूँ जिनका मतलब आपको समझ में आए, ठीक है? एज द नेम सजेस्ट, रेसेस एंड गेम्स, तो कहीं ना कहीं बात रेस की करेगा ना। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक ट्रैक है, ठीक है, एक ट्रैक है, सपोज इस पर हमें रेस करनी है। सपोज ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं क्या लिखता हूँ? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है। सपोज ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट से लेकर कुछ दो तीन एक्सप्रेशंस आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं, वो आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज दो कैंडिडेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, दो कैंडिडेट्स हैं ए एंड बी, ध्यान से देखना इस चीज़ को, अच्छे से समझना। सपोज इन्होंने स्टार्ट करी रेस, ठीक है, सपोज ये 100 मीटर रेस है, जो पूरा ट्रैक है ये 100 मीटर का है सपोज, ठीक है, ये पूरा ट्रैक कितने का है? 100 मीटर का है, ओके? तो अगर सपोज दोनों ने रेस स्टार्ट करी और ए पहुंच गया फिनिशिंग पॉइंट में पहले और बी उस वक्त यहाँ पहुंचा है, ठीक है, ए पहले पहुंच गया बेटा, बी यहाँ पहुंचा है, और सपोज ए ने बी को लीड दी थी सपोज 20 मीटर की, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए बीट्स बी बाय 20 मीटर, कैन आई राइट इट इन दिस वे? ए बीट्स बी बाय 20 मीटर का मतलब समझ रहे हो कि ए अपनी फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच चुका है और बी उससे 20 मीटर पीछे है अभी। अच्छा, कभी कभी आपको डिस्टेंस ना देते हुए टाइम भी दे सकता है। सपोज आपको ये कह सकता है कि ए तो पहुंच गया यहाँ पर, लेकिन बी को इस फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए सपोज उसको लगेंगे 10 सेकेंड्स। कितने लगेंगे? 10 सेकेंड्स। सो इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस उसने आपको क्या दे दिया? उसने आपको टाइम दे दिया। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड्स, क्योंकि बी को 10 सेकेंड्स और लगेंगे ना। सपोज अगर ए ने अगर ये पूरी रेस 1 मिनट में कवर कर ली तो बी कितना लेगा? 1 मिनट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स ज़्यादा लेगा। तो इसका मतलब ए ने बी को कितने सेकेंड से हराया? 10 सेकेंड से। तो दिस इज़ क्लियर। अच्छा, उसके अलावा पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सपोज ए को समझ में आ गया कि बी उतना अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं है, ए को समझ में आ गया कि बी को तो मैं यूँ हरा लूँगा ना, उसको मैं मल्टीपल रेसेस में हरा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बी को तो यूँ हरा लूँगा। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि ठीक है, अब हम लोग रेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या कहेगा? एक और डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। वो क्या कहेगा? सपोज अगर ये मेरा अगर ट्रैक है कोई, सपोज दिस इज माई ट्रैक एंड दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो ए तो यहीं पर खड़ा है, अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई। ए क्या खड़ा है यहाँ पर? ए यहाँ पर खड़ा है और उसने बी से कहा कि तू थोड़ा सा आगे खड़े हो जा मुझसे, अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई है। हम कहते हैं ना, जो हमसे कम या थोड़ा सा कम कॉम्पिटिशन में कम है तो हम उससे बोलते हैं चल यार तो थोड़ा सा आगे स्टार्ट हो जा, मैं तुझे तब भी हरा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने बी को अपने आगे खड़ा कर दिया है। इसको मैं कैसे लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे बोलूँगा? सपोज मैंने बी को 20 मीटर आगे खड़ा कर दिया, अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। जैसे ही रेस स्टार्ट होने वाली थी मैंने बी से कहा तो थोड़ा आगे खड़े हो जा, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे या लैंग्वेज में क्या कहेंगे? दैट ए हैज़ गिवन बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स, ऐसा आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो मैं क्या बोलूँगा? ए हैज़ गिवन गिवन बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स, या उसको अगर वो टाइम में भी बोलेगा तो हम लोग टाइम में भी उसको लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर ये दो चीज़ें क्लियर है तो रेस्ट इज अगेन इंटरप्रिटेशन और यूनिटरी मेथड, ठीक है। ये दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, दैट ए बीट्स बी बाय 20 मीटर का मतलब क्या है, कि ए पहले फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच गया है और बी अभी पीछे है। कितना पीछे है? 20 मीटर। ए हैज़ गिवन बी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर का मतलब है कि ए पीछे है अभी स्टार्टिंग पॉइंट में और उसने बी से कहा है कि तू 20 मीटर आगे हो जा,
ठीक है, तो अभी रेस खत्म नहीं हुई है, तो ए हैज़ गिवन बी ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर का मतलब ये है। दोनों डायग्राम भी बना लेना और ये एक्सप्रेशंस भी लिख लो ताकि आपको इसका मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस करते हैं, कुछ दो तीन क्वेश्चंस हैं, उसमें आपकी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी इसको करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। ईजी है बेटा, इट्स वेरी ईजी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये दो एक्सप्रेशंस लिखाए हैं, दैट ए बीट्स बी बाई 20 मीटर का मतलब क्या है एंड ए हैज़ गिवन अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी का मतलब क्या है। अच्छा, अब आपको देखो क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, समझना इसको अच्छे से। क्वेश्चन में आपको दिया है इन अ किलोमीटर रेस, इन अ किलोमीटर का मतलब है एक किलोमीटर की रेस है। ठीक है, तो मेरा जो ट्रैक है बेटा ये एक किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, इन अ किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 28 मीटर्स और 7 सेकेंड्स। तो चाहे मैं डिस्टेंस बता दूं, चाहे मैं टाइम बता दूं, दोनों मेंशन इसने मुझे कर रखा है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, कैसे बनाऊंगा? ए बीट्स बी का मतलब क्या है कि ए तो ऑलरेडी कहां पहुंच चुका है, फिनिशिंग पॉइंट में, और बी कहीं उससे पीछे है। बी उससे कितने मीटर पीछे है? 28 मीटर पीछे है। या इसको मैं टाइम में भी बता सकता हूँ, कितने टाइम पीछे है? 7 seconds. और 7 seconds. 243 सेकेंड्स। ठीक है, देख लेते हैं, एक बच्चे का 243 सेकेंड्स आया। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि फाइंड ए'स टाइम ओवर द रेस। आपको ए का टाइम निकालना है कि ए को स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, दिस यू हैव टू फाइंड। अच्छा, आपको दिया क्या है, सी व्हाट इज गिवन टू यू, बहुत इजी है बेटा, व्हाट इज गिवन टू यू, आपको क्या दिया है, आपको ये दिया है सबसे पहले कि दैट ए बीट्स बी बाई 28 मीटर। व्हाट डज इट मीन, यहाँ देख लेना ध्यान से बेटा, ए बीट्स बी बाई, ये क्वेश्चन कभी कभी टफ लगते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी होगी वो क्वेश्चन यूँ कर लेगा। पहले देख लो, आप एक अप्रोच देख लो इस क्वेश्चन की, इसके बाद मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको। ये पहला क्वेश्चन है, मुझे पता है कि इनिशियली बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन में। अच्छा, गिवन में क्या दिया है मुझे, गिवन में ये दिया है कि ए बीट्स बी बाई 28 मीटर। इसका मतलब बेटा दिस 28 मीटर, दिस 28 मीटर विल बी लेटर ऑन कवर्ड बाई बी ओनली ना। ए तो जीत गया, ये जो 28 मीटर की जो डिस्टेंस है इसको कौन कवर करेगा, बी कवर करेगा ना बाद में। और कितने सेकंड्स में कवर करेगा? 7 seconds. सपोज मैं अगर यहाँ फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच चुका हूँ, जो मुझसे 28 मीटर पीछे है वो 28 मीटर तो आएगा ना मेरे पास, और कितने सेकंड्स में आएगा? 7 seconds. इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया है मुझे, इनडायरेक्टली ये दिया है कि बी कवर्स 28 मीटर इन 7 seconds. सो कैन आई कैलकुलेट, सो कैन आई कैलकुलेट दिस कि बी 1 किलोमीटर कितने सेकंड्स में ट्रैवल करता है, क्या मैं निकाल सकता हूँ? नाउ इट्स यूनिटरी मेथड। कैसे? ऐसे लिखूंगा, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। बी क्या कर रहा है बेटा, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 28 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने सेकंड्स में? 7 seconds में। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यूनिट शुड बी सेम, whenever you apply unitary method unit should be same. अब यहाँ पर मैं 1 किलोमीटर नहीं लिख सकता, I have to write 1000 meters. तो अगर b 28 मीटर अगर 7 सेकेंड्स में कवर कर रहा है तो 1000 मीटर कितने सेकेंड्स में कवर करेगा? मोर। ये यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो मोर का फॉर्मूला क्या होता है, मो बाय लेस। हाँ, डू वॉच माई वीडियो बेटा, दैट यूनिटरी मेथड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं यूनिटरी मेथड लग रहा है, ठीक है। तो आप यूनिटरी मेथड वाला वीडियो ज़रूर देखना, आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। और अभी तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मेंसुरेशन के हम लोग इस मेथड से करने वाले हैं। तो मोर बाय लेस मैं लिख लेता हूँ, इस बार बच्चों का एक रिवीजन आएगा, मोर बाय लेस इनटू इंडिविजुअल वैल्यू। अच्छा, दोनों में मोर क्या है? 1000। लेस क्या है? इनटू इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है? 7। आंसर विल कम इन सेकेंड्स। तो 7 × 4 = 4, 250 सेकेंड्स आ जाएगा। तो दिस 250 सेकेंड्स, ये जो 250 सेकेंड्स है ये बेटा बी का टाइम है ओवर द रेस। इसका मतलब बी हैज टेकन 250 सेकेंड्स टू कवर 1 किलोमीटर ऑफ रेस। तो ए ने कितने सेकेंड्स लिए होंगे बेटा? ए, हाँ, ए ने बी को 7 सेकेंड से हराया, मतलब बी 7 सेकेंड पहले पहुंच गया होगा। तो हमने इसमें बी का निकाला बेटा, वी हैव कैलकुलेटेड B's time over the journey and then we have calculated A's time. Directly A निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ यूनिटरी मेथड कुछ दे ही नहीं रखा A के बारे में। तो यहाँ से ये क्या है, दिस इज B's time over the race.
सो ए इज टाइम, ए का टाइम कितना जाएगा, ए इज टाइम, क्योंकि ए बीट्स बी बाय 7 सेकंड्स, सो ए का टाइम कितना जाएगा 250 माइनस 7, दैट विल बी 243 सेकंड्स। तो कोई रॉकेट साइंस लगी क्या इस क्वेश्चन में? यूनिटरी मेथड, यही रॉकेट साइंस है मैथ्स के लिए आप लोग लिए, बात है नहीं बेटा? हैव वी यूज्ड एनी रॉकेट साइंस हियर? सिंपल, हाँ, लेकिन लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ए बीट्स बी बाय 28 मीटर्स और 7 सेकंड्स, इसलिए मैंने आपको वो टर्म्स क्लियर करवाए थे स्टार्टिंग में। ओके, क्वेश्चन को घुमा दिया मैंने, सेम सवाल है, मैंने घुमा दिया बस उसे। ए कैन रन, ठीक है, ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 3 मिनट 10 सेकंड्स, ठीक है, अगर 1 किलोमीटर का ट्रैक है तो ए उसको 3 मिनट और 10 सेकंड्स में कवर करता है। 3 मिनट का मतलब है 180 सेकंड्स, तो टोटल 190 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको टोटली सेकंड्स में कन्वर्ट करूँ वो मैं इजिली कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मुझे क्या दिया है, मुझे ए का पूरा टाइम दिया है ओवर द रेस, ए 1 किलोमीटर की रेस 3 मिनट 10 सेकंड्स में कवर कर सकता है, और बी उसी 1 किलोमीटर की रेस को 3 मिनट 20 सेकंड्स में कवर कर सकता है। 3 मिनट 10 सेकंड्स, 3 मिनट 20 सेकंड्स, कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है? बी। कौन जीतेगा, ए जीतेगा बी जीतेगा? ए। इसका मतलब ए बीट्स बी बाय हाउ मेनी सेकंड्स? 10। साफ दिख रहा है, आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, बाय व्हाट डिस्टेंस ए बीट बी, ए बीट बी बाय बाय हाउ मच डिस्टेंस, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो यहां पर ए पहुंच गया, बी उससे थोड़ा सा पीछे है, ये जो बीच की डिस्टेंस है दिस यू हैव टू कैलकुलेट, ये डिस्टेंस आपने निकालनी है इस केस में, और ये डिस्टेंस के उसमें कितना टाइम का डिफरेंस है, 10 सेकंड्स का, वो मुझे साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि ए 10 सेकंड्स पहले ही पहुंच गया बी से, उसने लिए 3 मिनट्स 10 सेकंड्स एंड बी एस टेकन 3 मिनट 20 सेकंड्स। अगेन यूनिटरी मेथड, वेरी सिंपल, नो, लेकिन लॉजिक है क्वेश्चन में बेटा, आप डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगाओगे, लेकिन किसके साथ लगाना है, दैट लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50 मीटर, ठीक है, लेट्स सी, एक बच्चा कह रहा है 50 मीटर, हो सकता है सही लग रहा है, आई डोंट नो इट इज राइट और रॉन्ग, लेकिन सही लग रहा है मुझे, देख लेते हैं, समझना है यूनिटरी मेथड किसके साथ लगाओगे। 50 मीटर, एक और आ गया, चलो, यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, टाइम इज गिवन टू यू, आपने यूनिटरी मेथड लगाना है, लेकिन किसके साथ, हु विल कवर दिस डिस्टेंस बेटा एट द एंड? बी। बी के साथ यूनिटरी मेथड लगाना है, ये जो 10 सेकंड्स है ये किसका टाइम है कवर करने का इस डिस्टेंस को? बी का टाइम आपको दे रखा है, यूनिटरी मेथड लगाना आपने सिर्फ बी के साथ, आपको साफ साफ दिया है कि बी पूरी डिस्टेंस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस या 1000 मीटर की डिस्टेंस 3 मिनट 20 सेकंड्स में कवर करता है। बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ए बीट्स बी बाय 10 सेकंड्स और बाय हाउ मच डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट, सो दिस डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड बाय बी इन 10 सेकंड्स ना, ये जो 10 सेकंड्स है ये किसका टाइम है? बी का टाइम है ना, बी ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, मुझे नहीं पता है डिस्टेंस कितनी है, वही तो मुझे कैलकुलेट करनी है, लेकिन बी जो ये डिस्टेंस कवर करेगा वो कितने सेकंड्स में करेगा? 10 सेकंड्स में। तो क्या मैं 10 सेकंड्स के रिस्पेक्ट में बी की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। मुझे इस क्वेश्चन में ये समझ में आना चाहिए कि ये जो मुझे डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस कौन कवर करने वाला है? बी कवर करने वाला है। कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड्स में। तो मैं बी के साथ यूनिटरी मेथड लगा दूंगा बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो साफ साफ दिया है, साफ साफ क्या दिया है? अच्छा, ये जो टाइम है बेटा ये बी का है, दिस टाइम ये बी का टाइम है। बी कवर्स, मैं लिख लेता हूं पहले, बी कवर्स 1000 मीटर डिस्टेंस इन हाउ मेनी सेकंड्स? 1000 मीटर डिस्टेंस इन हाउ मेनी सेकंड्स? 200 सेकंड्स। टोटल बताओ मुझे 200 सेकंड्स, ये तो सभी को आ जाएगा। यू कैन इजिली कन्वर्ट 3 मिनट्स इंटू सेकेंड्स ना, इंटू 60 करोगे 180 सेकेंड्स, फिर 20 सेकेंड्स और है, 200 सेकेंड्स। देयरफॉर अब आप यूनिटरी मेथड कैसे लगाओगे? बहुत इजी है, हाँ, 200 सेकेंड्स में बी ने कितना कवर कर लेगा? वो 1000 मीटर कवर कर लेगा, हाँ,
मुझे तो सिर्फ 10 सेकंड्स का निकालना है. वेरी गुड. मुझे तो सिर्फ 10 सेकंड्स का निकालना है कि 10 सेकंड्स में बी कितना ट्रैवल करेगा, कितनी डिस्टेंस. आई हैव टू कैलकुलेट ओनली फॉर 10 सेकंड्स. देखो सॉल्यूशन बहुत इजी है, लेकिन हाँ बच्चे को थोड़ा सा दुविधा में डाल सकता है क्वेश्चन इनिशियली. तो यू हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन प्रॉपरली. आपको वो समझना ज़रूरी है कि क्या पूछा गया है, क्या मुझे लेना है. नहीं तो ए का जो टाइम दिया वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं है इस क्वेश्चन में ना. हाँ लेकिन ये जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ए ने बी को 10 सेकंड से हराया, उसके लिए ए का टाइम जानना इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर ये दे देता आपको तब ए का टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं होता. उसने ए का पूरा टाइम और बी का पूरा टाइम इसलिए दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ए ने बी को कितने टाइम में हराया, और उस टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. तो 10 सेकंड्स के रिस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, लेस या मोर? लेस. लेस का फॉर्मूला क्या है? अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये तो लिखोगे ना बेटा. लेस कौन सा है, 10 सेकंड्स या 200 सेकंड्स? मोर क्या है? 200 इनटू इंडिविजुअल वैल्यू क्या है? मीटर. इंडिविजुअल वैल्यू की यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आंसर उसी यूनिट में आता है जो इंडिविजुअल वैल्यू. कितना? द आंसर इज 50 मीटर. इसका मतलब मैं यहाँ से साफ साफ लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ कि ए बीट्स बी बाय 50 मीटर. ए बीट्स बी बाय 50 मीटर. क्या टफ सवाल है क्या? इज दिस अ टफ क्वेश्चन? नो.